दरोगा साहब सारी इसकी गलती है, इसको अंदर करिए। अबे तुम्हारे बाप का थाना जो अंदर करवाओगे? अबे जब गलती मेरी नहीं है तो काहे की सजा? तुम ठहर जाना यार, तुम काहे तमतमा मारो, हमें तो खड़े हैं पंजीरी बांट रहेगा। 2 मिनट ठहर जाना। हम का कह रहे बहन जी, आप अच्छे ठंडे दिमाग से जो बताओ, आपको जाकिलाने कछु अंदर फीलिंग भावना है का? बिल्कुल नहीं, हमारी सारी भावनाएं हमारे प्राणनाथ के लिए ही है। बहन जी देखिए, 2-2 नाव में पैर मत रखिए, एक का नाम बताइए प्लीज। हम बात कर रहे हैं ना, तो जब आपको अपने पति से भर भर के प्रेम है तो फिर पड़ोसी में प्रेम काहे लुटा रही? पता नहीं। अंजू तो हाथ से गई। एक सेकंड बहन जी, बहन जी हम, तुम एक काम करो भैया, इन्हें 2-4 दिन घर से बाहर ही ना निकलन दो। इनको हमें दिमाग ढीलो लग रहा हो। जब ये बाहर ही नहीं जाएंगी तो पड़ोसी को प्यार नहीं लुटाएंगी। और तूसन मनोहर इनके घर के बाहर ना ढंग से पहरा दीजिए, बिल्कुल नजरें गड़ा कर रखिए, बिल्कुल राय तो न फैले। ऐसे न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। डोंट वरी सर, मैं अंजू को, मेरा मतलब बहन जी को लक्ष्मण रेखा पार करने नहीं दूंगा। एक साथ बोलो करी ना, साथ ठीक है? दिल छोटू ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बटन टक गो। को 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 पका पका को 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 पक। हाँ चलो फटाफट आ जाओ, तुम्हारे लिए भी बना चुके हम। आज बिल्कुल पीनी नहीं है, आज बहुत टेंशन चल रही दिमाग में, सिर्फ हम तेरी बुलाने से आ गए। सुन सुन, टेंशन में तो तुमको डबल पीना चाहिए। हाँ, कहें कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इलाज नहीं है बोतल में। वो तो हम जरूर पीते, लेकिन आज रात हमारी नाइट ड्यूटी है। हम आज पूरी रात जाग के ड्यूटी देना चाह रहे, जो पता करना चाह रहे कौन धी को लट्ठे जो तिजोरी साफ कर रहा हो। आज हम खुद जागेंगे, डंडा लेके बैठेंगे सारो। अच्छा, तब तो कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं मतलब टोक लगा दी। अरे तो हम मिशन पे जा रहे सारे, तू टोक लगा रहा हो, यही से तो हमारा काम सार्थक नहीं हो। तू टोक नहीं लगा रहे यार। अरे मनहूसियत की बात नहीं है यार, हम जो सच्चाई है ना हम तुमको वही बता रहे हैं। वो कहावत नहीं सुनी कि घर का भेदी लंका ढाए, मुहावरा सुनी तो है? कहनू का चाह रहा हूँ, कहना हम ये चाह रहे हैं। हमें क्या लगता है ना कि तुमको ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें चाची के ऊपर शक है। तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले रज्जू को नाम लगा रहा हो, अब अम्मा को नाम ले रहा हो, पगला है क्या तुम? अरे हम पगला नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे हो। हम पेशे से वकील है, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, समझे? वाजिब शक के बगैर हम किसी का नाम नहीं लेते। काहे को गुनिया को शक? अम्मा को सब कछु है, अम्मा को घर है, अम्मा तो माल कहने बेकार चुराएंगी पैसा। फालतू का कीड़ा डाल लो दिमाग में हमारे शक के। अरे तुम समझ नहीं रहे हो। तुम एक बात बताओ, कहा बहुत पुरानी बात है, चाची ने हमको खुद बताई थी। हाँ। कि स्कूल के टाइम पे ना उनको शौक था, मतलब जेब कतरी का शौक था, मतलब हाथ की सफाई करने का। ये बहुत टाइम, बहुत सालों के जब बात के, बहुत पुरानी बात है। वही तो बोल रहा हूँ, शराब जितनी पुरानी हो और आदत जितनी पुरानी हो उतना गहरा असर रखती है दिमाग पे। या तो तू बात है ना, भांग खाएं थे या अम्मा खाएं थी, सो बात से बात में कर गई हुए, धुआं में उड़ा दी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, हमारा काम था तुम्हें आगाह करना, हमने कर दिया, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। हम जा रहे अकेले पीने। अरे अम्मा थोड़ी यार, कल बीवी को नाम ले रहे हो। कौन धी को लट है जो सारी दरोगा हप्पू सिंह की तिजोरी साफ कर रहा हुए, अब ना कर पाएगा। सोच रहा बैनी की माँ ने तो अम्मा पे शक जाते हुए, अम्मा ऐसू काय को लाने करेगी? कौन तो है। अरे दादा, यू कौन है? बताओ ससुर, इतने हमारी टेंशन में को पड़ गई, चक्कर आ रही थे, अम्मा खर्राटे ले रही। कछु नहीं अम्मा, तिजोरी से पैसा फिर से चोरी हो गए, तसल्ली कर रहे। हम भी तसल्ली कर, इतने तसल्ली कर रहे हुए हैं नालायक, हमारे कमरे की तलाशी ले रहे हो, हमें चोर समझ रहे हुए। अरे ऐसू हमने कही का, ऐसू हमने कही का कि तुम कैसी बातें कर रही अम्मा? अरे हम सिर्फ अपनी तसल्लियाँ कर रहे थे, हमारा दिमाग काम ना कर रहा हो, खोपड़ के टनटना रही हमारी। क्या हुआ कट्टो, इतना जोर से चिल्लाई? अरे मैं तो खुश हो गया, तुम्हारे ऊपर की टिकट कट गई क्या? अरे हपुआ के डोकर जे दिन देखने से पहले हमारे ऊपर की टिकट कट जाती तो अच्छा होता। बताओ तुम्हारा कपूत हम पे शक कर रहे हो, है हमें चोर समझ रहे हो, चोरी देखना। अरे तुम अम्मा भाई, तुम थपा थप मार रही, हमारी बात तो सुन लो। हमें ना सुननी तेरी बात ना सुनते। कट्टो, इस गधे को कहो कि मेरी कट्टो लालची हो सकती है, गुस्सेल हो सकती है, खटपटी हो सकती है, लेकिन चोर नहीं हो सकती। वही कह रहा हूँ, चोर नहीं हो सकती। तुम ये बोलो ना। ये तुम पीटे डूब के मर जा तुम। बताओ, जे दिन के लाने हमने तुमको पैदा करो कि हम पे शक करे अपनी अम्मा पे। डूबई के मरेंगे, लेकिन पैसा ढूंढने के बाद। और तुम काहे इतनो तमतमा रही, तिलमिला रही? अरे यार चोरी नहीं भाई, ये घर में तो मजाक थोड़ी बहु है, हमें अपनी तसल्ली कर लेने दो। तुम्हें बाद में डांटने डांट लियो, डंडा मार लियो। रज्जो इतनी आओ। रज्जो को काहे बुला रहा हो? बुला रहे तुम, सब बता रहे काहे, सब सारे खर्राटे मार रहे, हमारी नींद उड़ गई। खर्राटे मारे तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो? खाओ गो बेलैयो को ब्याह हतो, नाचने आई थी, हमारे पैसा गायब हो गए, फिर से तिजोरी साफ हो रही है। सुनो, हमने तनक दाएं बाएं देखो, हमें मिले नहीं है। अब तुम हमारी तसल्ली के लाने अम्मा की तलाशी ले लो बस। जे हमारी तलाशी लेगी? आओ, तुमसे कह रहे, तुम हमें क्या देख रही? तलाशी लो। तुम दिमाग घूम गए है? हमारा दिमाग ना घूमो, तेरे आदमी को दिमाग घूम गए। उन्हीं को बोल रहे हैं अम्मा, हम नहीं ले रहे अम्मा की तलाशी, ठीक है? तुम्हारा दिमाग घूम गए, अम्मा की तलाशी लेंगे। हाँ लेना पड़ेगी, जब हमारे पैसा घूमते हैं ना तो हमारा दिमाग घूमतो है। तुम ज्यादा ज्ञान ना बगारो, हमने बोल दिया अम्मा की तलाशी लो तो लो बस। नहीं ले रहे, तुमसे मर्जी नहीं पूछ रहे, दरोगा ऑर्डर दे रहा हो तुम्हें, तो तुम फटाफट उठो। फटाफट क्या ऑर्डर दे रहा है, हम खुद ही उठ रहे हैं। चल कर ले हमारी तलाशी। हाँ कर ले, चल चलो चल ले, अच्छे से लियो। चल चल दोबारा चाहे मार लो, लेकिन तलाशी ढंग से लियो। अरे तुम जाओ, अम्मा को पूरा खंगाल लियो ऊपर से नीचे तक। दिमाग खराब हो गया आदमी को। अरे हो गो, मजाक लगा रखो सारो, तो पैसा गायब हो रहे हैं, गुइया के दरों गए हम। डरे हैं, तलाशी पे ध्यान दो दादा, हमारा मूड ही बिगड़ गो। युवराज, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, मैं चला, मैं चला। क्या है ऐसा, काहे घूर रही? पापा आपको ना शर्म आनी चाहिए। कौन सी बात की? आप बेचारी दादी की तलाशी दिलवा रहे हो। हॉरिबल। पहले तो आपने मेरी तलाशी दिलवाई, फिर चमची की, फिर मम्मी की, अब दादी की। का चक्कर का है? कान के नीचे देंगे वो इतने सारे चक्कर आ जाएंगे। बाप के पैसे चंपत हो रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, का चक्कर का है? पापा हाँ? इस चीज के लिए ना भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। भगवान को सब पता, दीकुलट हमें को नहीं पता कि कौन साफ कर रहा हो हमारी तिजोरी। हमें अपना काम करन दो, तहकीकात तो होकर रहेगी। तू बड़ी अम्मा ना बन जाता। कैसे इंसान है यार। कचू मिलो, एक रुपया ना मिलो। पाप के भागीदार भैंस अलग। अरे काहे को पाप को? अरे कानून को साथ दे रही, पाप कहाँ से लगेगो? चलो अच्छो है अम्मा, कचू नहीं मिलो। लेकिन सारू समझ में नहीं आ रहो, जी तिजोरी कौन साफ कर रहा हो? जाओ तुम और फिर सो जाओ। पापा सबकी नींद उड़ा के आप बोल रहे सोने जाओ? मैं ना आपसे बड़ी वाली कटती हूँ। आज जो आपने दादी के संग बर्ताव करो है, कल यही बर्ताव आपके साथ हम करें, कैसो लगेगा आपको? कैसो नहीं लगेगा, घूम घूम कर बढ़िया तलाशी देंगे, बिल्कुल बुरू नहीं लगेगा, खुशी खुशी देंगे। काहे अम्मा? जिदे ओहो अच्छा, जब कौआ उड़ा चली गई। तुम्हारे का ऐसे देख रहे भाई, रोज को है जो थपड़े आनू, पैसा हमारी चोरी हो रही, थपड़े आओ हमें जा रहो, हम ऑपरेशन आ रहो। चल 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 चल, हट हट। जो लौंडा को देखो है, जो उनको दबोचू। खैर छोड़ो, सुन तेरी रात कैसी गुजरी अंजू? देखो कैसे, क्या है मामला? एक्चुअली सर कल रात को मेरी आंख लग गई। का तो कुछ शर्म नहीं आती? सारे ड्यूटी पे सो रहा हुआ है, सोने के लिए भेजो तो हमने कही थी नजर गड़ा के रखिए। सो गो तो कैसे सो गो? तो हर बार तो आप सोते, कल मेरी आंख लग गई। I'm sorry सर। लेकिन सर इसमें मेरी गलती नहीं है, कल रात को मैंने राजमा चावल खाया था। सारे तेरी राजमा चावल के चक्कर में रेशम पल हमें नकार दे को नौकरी से, भारी पड़ जाएगा किस। I'm sorry सर। लापरवाह आदमी। तूने कछू ना देखो? देखो मतलब कछू नहीं देखो? I mean सर जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अंजू ऑलरेडी उस पप्पूनाथ के दरवाजे पर खड़ी है। उसने पप्पूनाथ के घर की बेल बजाई और जैसे ही पप्पू ने दरवाजा खोला, अंजू ने उसे पान खिला दिया। ऐसे कैसे पान खिला दो? अपने हाथ से। हम ज्यादा मजाक के मूड में नहीं है। एक काम कर, हमें लग रहा पप्पू में कछू गड़बड़ है। तो अब क्या करे सर? कछू नहीं करने, सारे को कुत्तन जैसे घसीट के लिया थाने, ढंग से तुड़ाई करेंगे, पीलेंगे सारे को और ऐसे केस रफा दफा कर देंगे। हैं? फिर कहिए तुम मलाइका से कि बाप ने कैसे केस निपटाओ, बताइए मलाइका को। ठीक है ना, जब कॉफी पिलाए तो तनक तारीफ करके बता दीजिए कि मैडम को। हैं? अबे तो चाय बोल के यार, जो लौंडा पहचान को लग रहा हो। रज्जो साड़ी की सेल लगी, चलना आज? नहीं बेनो, माँ मन नहीं है कहीं जाने को। तू साड़ी की सेल के लिए मना कर रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ हमारी तबीयत ठीक है, बस तुम्हारे जीजू का दिमाग खराब होगा हुआ। अब क्या किया जीजू ने? क्या नहीं करो है तुम्हारे जीजू ने। तो क्या नहीं किया वो बता दे। मुँह दोच रही है तुम्हारे जीजू ने ना अपने संग संग हमें भी पाप का भागीदार बनाओ है। बताओ अपने ही घर के लोगों पे शक करें चोरी को। कल अम्मा की तलाशी करवा ली हमसे। बाप रे, अम्मा की तलाशी? आओ ऐसा भी ना, अम्मा ना हमें चाहे लाख ताने मारे, जितना भी जी जलाए, लेकिन कभी हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई उन्होंने। और एक हमें उनकी बहू, उनके आत्मसम्मान की ना धज्जियाँ उड़ा के धर दी हमने। अपने अपने खुद हाथों से स्वयं तलाशी ली हमने उनकी। यार ये जीजू को हो क्या गया है? भगवान जाने काब हुआ है तुम्हारे जीजू को, दिमाग खराब हो गए तुम्हारे जीजू को। तूने ना जीजू को बहुत ज्यादा ढील दे दी है, मुझे देख। मैं बेनी की लगाम कैसे कस के पकड़ के रखती हूँ, एकदम दिमाग एकदम सीधा चलता है एकदम। हाँ, वही सीधा चलने वाले दिमाग ने ना, जब हमारी तलाशी का बीज बो हुआ है, सीधा चलता है। पर मतलब बेनी थोड़ी ना बोल सकते ऐसा कि अम्मा की तलाशी लो, ये गारंटी है मेरी। हाँ। अरे क्या बात है, दोनों बहनें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, वार्तालाप, चिंतन मनन। अरे जीजू ने आतंक मचा रखा है, उन्हीं की बात चल रही है। आतंक से याद आया, ये बताओ चाची की तलाशी हुई थी, हुई कि नहीं? मिला कुछ? हाँ तलाशी तो भाई, लेकिन हमें तुम ये बात बताओ बेनी, कि अम्मा की तलाशी तो कल रात को भाई आती, सुबह सुबह तुमने कौन से अखबार में सुन ली? मुझे शक था। देखो बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिमाग में क्या हम बता रहे हैं कि क्या हुआ ना, चाची ने हमको पहले भी बोला था, उन्होंने बताया था हमको कि जब बचपन में ना क्या हुआ, बचपन में ना जब छोटी थी तो उनको ना जेब कतरी की आदत पड़ गई थी, ये खुद उन्होंने मुँह से बोला, इस बग्गू की कसर की कसम। हाँ, और उसी लिए मुझे शक हुआ, तो मैंने बोला कि मिला क्या, ये बताओ क्या 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 निकला? छोटी कौड़ी तक नहीं मिली। पहले मैं बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई बेनी? जी मतलब अम्मा की तलाशी को बीज जो है तुमने दरोगा जी के खोपड़िया में डालो है। अब चाची नहीं, तुम नहीं तो तीसरा को यार भग्गू क्या लग... तुम बताओगे? मुगदल दे बिन्नो, कुछ दो आज तो तुम तो घर जा। दरोगा साहब आपने मुझे बुलाया? बिल्कुल बुलाओ, ये देखो कर दो अंदर, अब तुम्हारी बीवी चाह के भी कछु नहीं कर सकेगी। कैसी गई? दरोगा साहब सिर्फ एक पान खाया है, मेरा वकील रास्ते में होगा, देखता हूँ कितनी देर तक अंदर रखते हो और कौन सा केस ठोकते हो। तूने हमारी खोपड़िया खराब करी, हम 36 ठैया बना देंगे इतनी फर्जी केस, और ऐसो पी लेंगे सारे 7 पुश्तें याद करेंगी। बैठ सी दो। दरोगा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जल्दी थैंक्स बोल दादा। ओ भैया जो बताओ, ये तुम्हारी बीवी है? दरोगा साहब पता नहीं तो हमारी है, लेकिन पति जरा पप्पू के साथ निभा रही है। मगर मच्छे के आंसू बाहरों सारे साफ साफ देख रहे हुए, हिंदुंगन को टिंचू टैया चल रहा हुआ, आपस में चक्कर चल रहा हुआ है, और सारे तू हमारा टाइम बर्बाद अलग कर रहे हुए थे। मलाई पनीर ठंडी हो गई। अंजू देखा देखा दरोगा साहब, देखो अपने हाथों से खाना खिलाया उसको हमने सब, देखो लेकिन हमसे देखो ना जा रहा हो जो का चल रहा है। और काय बे, अब तो रंगे हाथों पकड़ोगे तू, अब का कहेगो? अरे हद आदमी दरोगा साहब, आप खुद देख रहे हैं ये अंजू आपके थाने में मटक मटक के आ रही है और गर्मा गर्म कबाब मेरे मुंह में ठूस दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मुंह भी ना खोलूं मतलब? अंजू यार मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं नहीं स्वामी, आप हमारे देवता हैं। और प्रसाद फिर होते काय खिला रही, फिर देवता हैं। मैं तुमको तलाक दे कर रहा हूँ। करेक्ट, हमें जब बात तुम्हारी पसंद आई। आप चुप रहो बिल्कुल। स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। स्वामी मुझे कुछ नहीं पता मैंने ये कैसे खिलाया, आपकी कसम। अरे जब तुम्हें तलाक नहीं चाहिए तो जो अप्पा चप्पा डब्बा लेके काय घूम रही माँ के पास? सुनो हो दादा, हमारा दोस्त बेनी प्रसाद टॉप क्लास को वकील है, वो केस लड़े को तुम आओ, तुम तलाक दे दो, तलाक दे दो बस। अब तो तलाक पक्का पक्का हो, डने मामला। तुम जाओ जो डब्बा लगे या फिर दे जाओ, हमारी ठंडी हो गई। अरे दरोगा साहब मुझे तो छोड़ दीजिए। दी के लट हम जब मूड होगो ना जब मलाई पनीर वापस गर्म होगी, बाकी खुशबू हमारे नथनों में घुसेगी, हम तब डिसाइड करेंगे तो कुछ छोड़ने के नहीं छोड़ने। तू रख डब्बा। सुन, देख रहा हो, हम पहले दिन से ही कह रहे थे, पार की नजर, तलाक तलाक है सॉल्यूशन। हो गो बता देंगे मलाइका को फटाफट, बाप ने केस सॉल्व कर दो बिना खाना खाए। समझ रहे हो? नहीं मतलब हमाओ जो है, जब ब्लैक कॉफ़ी देने जाए तो मैडम को बता देंगे कि उनने बड़े आराम से शार्प माइंड से केस निपटा दो।